Alright boys, it's time for another beautiful anime review. Yes, we are reviewing something, and this time it's the beautiful series Bible Black. किसी को कुछ समझा नहीं होगा, but let's get on with it. अभी Bible Black एक hentai है. You don't question it. I am reviewing it. Anyways, Bible Black एक anime है जिसका genre है hentai. That works by better. Yes. Anyways, इट्स एनिमे में का प्लॉट इट्स वेरी सिंपल, लाइक इट्स वेरी सिंपलिस्टिक प्लॉट है एकदम. एक रिचुअल होता है जो 11 साल पहले लेता है एक सर्टन स्कूल में, और वो स्कूल के अंदर वो रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस होता है. यस क्या हुआ? तुम लोग क्या सोच रहे थे मैं कुछ गलत बोलने वाला हूँ? वेल यस, मैं गलत बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो सैक्रिफाइस क्यों कर रहे थे. लाइक जब सैक्रिफाइस हो रहा था तो बहुत सारे लोग नंगे खड़े थे. Yes, you don't question it. It's anime and its genre is hentai, so you don't question it. So ये होने के बाद में अब बिलो काउंट करते हैं 11 साल बाद में, जहाँ पे ये एलिमेंट्री स्कूल सारा पेडोफाइल hentai है. क्या बंदा है यहाँ पे? हाई स्कूल यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सारे हैं काली बाल वाली, ब्लॉन्ड बाल वाली. मेन कैरेक्टर मेल कैरेक्टर जो सबके साथ करता है, ये जो डॉक्टर है वो जो सबके साथ करती है. यू डोंट क्वेश्चन इट बिकॉज इट्स एन हेंटाई एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इट. सो ये डॉक्टर है जो सबके साथ करती है, एंड बेसिकली ये मेन कैरेक्टर को एक बुक मिलता है, कोट एंड कोट बुक, और जो ये सोचता है वो ये बुक सच्ची कर देता है. लाइक मजाक भी नहीं है, सच्ची कर देता है ये जो भी ये सोचता है. लाइक सीरियसली डूड, एनी कॉन्स्टेंट. लाइक ये सोचता है एक लड़की के बारे में एंड लड़के के बारे में जो चीटिंग करते हैं, एंड बेसिकली वो भी हो जाता है, वो भी पूरे स्कूल के सामने. स्पेशली लड़का इतना हॉट नहीं होता है कि वो क्या बोलो. एनीवेज, मूविंग ऑन टू द प्लॉट. सो ये लड़के के पास ये बुक आता है, एंड सबको ये बुक चाहिए, सारी लड़कियों को ये बुक चाहिए. ये बुक इतना इनके लिए इम्पोर्टेंट है ना, मतलब जो भी लड़की है इस सीरीज़ में सबको चाहिए ये बुक. पता है क्यों? क्योंकि इस बुक के पास में पावर है, एंड वो पावर अभी लड़के के पास में. सो सबको ये बुक चाहिए, एवं वो टीचर को भी चाहिए. इवन वो टीचर, वो 11 साल पहले वाली टीचर थी जो वो लाइक नाइट पे उन्होंने मर्डर किया था. ये सैक्रिफाइस नॉट मर्डर, बट सबको ये बुक चाहिए. एंड वो लाइक इतने हॉर्नी होते हैं वो बुक के लिए ना, कि हॉर्नी सीन्स क्रिएट होते हैं. यस, यू डोंट क्वेश्चन व्हाट हॉर्नी सीन्स आर, यू हैव टू वॉच इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज अगर मैं दिखाऊंगा तो यूट्यूब भी लाइक bye bye, have a good time with our channel. So yes, you have to see it yourself. And अगर यही काफ़ी नहीं है तो जो डॉक्टर रहती है, जो डॉक्टर नहीं जो रहती है, वो बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेती है. इफ़ दैट्स नॉट इनफ, वो भी बार बार करके भाई मेन कैरेक्टर है भाई, उसके पास कुछ सिस्टम है भाई, इतना स्पर्म नहीं है उसके पास, कितना करती है भाई उसके साथ. बेचारे का हाल बुरा हो जाता है, मतलब क्या बोलूँ. अभी स्टैमिना बढ़ा गया बट लौटने का, लाइक लिटरली वो गैंगमैन कर लेता है अकेले. दैट्स हाउ पावरफुल स्टैमिना वेंट, नॉट इवन जोकिन, सीरियसली. लाल बाल वाली, हरे बाल वाली, सारे कलर है उसमें, सारे कलर वाले बाल है उसमें. क्या है, लाल बाल वाले, हरे बाल वाली, ब्लॉन्ड हेयर वाली, काले बाल वाली, डॉक्टरनी वाली, लाइक क्या है इस एनिमे में? मेरे को समझ नहीं आ रहा है. यस, एनिमे आई सेड इट अगेन, बट सीरियसली क्या है इस एनिमे में? सब कुछ है इस एनिमे में. वेल एनिमे 6 एपिसोड्स लॉन्ग, और अगर वही काफ़ी नहीं है तो फिर यू नो यू ऑल्सो गॉट सीजन 2 ऑफ दिस विच इज़ कॉल्ड गेडन, एंड देन देयर इज ऑल्सो अनदर रैंडम शिट आउट देयर अबाउट बाइबल ब्लैक. इट इज़ ओनली बाइबल ब्लैक ओनली करके कुछ तो है. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ बाइबल ब्लैक सीरीज जो सबको आई थिंक सो देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ गुड फैप मटेरियल, सो यू गाइस शुड वॉच इट. यस आई सेड इट, यस आई डिड एन हेंटाई रिव्यू, थैंक यू वेरी मच. नथिंग स्पेशल, मेरे को बस मन किया करने का. एनीवेज, अगर मोर हेंटाई रिव्यू चाहिए तो बताना, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं. बोलना तो नहीं चाहिए बट मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं. मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर.